हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव दी एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर सेवन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट करेंगे आज हम। जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि YouTube में कैसे जाते हैं और कैसे अपना पिछला वर्क कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल पे आ गए हो, YouTube खोला आपने, उसके बाद सर्च बार में जाना है। सर्च बार में अपने चैनल का नाम डालना है। आपके साइंस का चैनल का नाम है बायोलॉजी का कीड़ा कोमल। आपने अपने साइंस चैनल का नाम डाला, उसे सर्च में किया, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका साइंस चैनल आ गया है। आपको अपने साइंस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे वीडियो सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आप नीचे जाते जाएंगे पुराने वीडियोस, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंस 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6, 7th क्लास के भी वीडियोस यहाँ पे हैं, 8th क्लास के भी वीडियोज़ हैं, साइंस 8th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पे साइंस 8th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऐसे ही मिलता जाएगा। कौन सा चैप्टर का है ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 मेंशन है, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे ही आपको दूसरे अदर चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलता जाएगा। साइंस स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्यूशन ये है 8th स्टैंडर्ड का। ऐसे ही करके आपको नीचे जाते जाना है और अपना वर्क फटाफट कंप्लीट कर लेना है। मैम ने आपका बर्डन ऑलरेडी कम रखा है, आपको बोल दिया है कि एक्सरसाइज वाले में टिक दी करेक्ट ऑप्शन आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर कहाँ पे करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। तो बर्डन कम हो गया, फटाफट अपनी एक्सरसाइज करिए। और साइंस क्या है, रटने वाली तो चीज़ है नहीं, पढ़ने वाली चीज़ है, बढ़िया से समझ करके पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और सारे बच्चों के साथ आ जाइए जितने भी नए बच्चे हैं। सो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन अ बुक पेज नंबर 76 चैप्टर नंबर 7। सो लेट स्टार्ट द वीडियो क्लास, पेज नंबर 74, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 74 में आ जाइए। अब पेंसिल निकाल लीजिए, साथ साथ में टिक करते जाएंगे, ठीक है, आप लोग पीछे के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द, ठीक है, एनिमल फाउंड होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसे क्या बोलेंगे, फौना। द करेक्ट आंसर इज फौना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडेमिक स्पीसीज, इसमें से कौन सा एंडेमिक स्पीसीज नहीं है। द करेक्ट आंसर इज एशियाटिक लायन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ वन ऑफ दीज इज नॉट एन एंडेमिक स्पीसीज, एशियाटिक लायन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन इंडेंजर्ड एनिमल, द करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल, टेक द करेक्ट ऑप्शन क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड डोडो इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड बायोस्फेयर, टेक द करेक्ट ऑप्शन बायोस्फेयर। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थ्रेट कैटेगरीज इन दी, कौन सी बुक में होता है। द करेक्ट आंसर इज रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज रेड डाटा बुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, WWF वर्क इन द फील्ड ऑफ, द करेक्ट आंसर इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, WWF वर्क इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन,
द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोम। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ। द करेक्ट आंसर इज वनरल रिवर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या है डिफॉरेस्टेशन का कॉज? द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी, ओवर ग्रेजिंग एंड पॉल्यूशन। टिक द करेक्ट आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपनी कॉपी में ही करना है, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट डे आपको स्कूल जब ओपन होगा कॉपी आपकी चेक हो जाएगी और बच्चों की बुक भी चेक होगी, इसलिए सही आप लोग फिलअप करिए। नाउ हम फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लोअर रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लोअर रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है? रेनफॉल में इफेक्ट होता है हमारी वाटर साइकिल में और रेनफॉल कम हो जाती है हमारे अर्थ पे। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लोअर रेनफॉल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सेकेंड, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। द फेनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग लैंड इनटू डेजर्ट ड्यू टू सॉइल इरोजन इज कॉल्ड। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट 8th क्लास का वर्क कंप्लीट कर लिया है विद योर नेम एंड सेक्शन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, अपने आप से करेंगे। नाउ थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, डैश एंड डोडो बोथ आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो कौन कौन से एक्सटिंक्ट स्पीसीज है? वो है डायनासोर एंड डोडो। ये तो क्लास में डिस्कस भी हुआ था आपको, ठीक है? तो डायनासोर एंड डोडो आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए डायनासोर्स। डायनासोर्स एंड डोडो बोथ आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। स्पेलिंग सही लिखिएगा, DINOSAURS, डायनासोर्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4, डैश स्पीसीज आर द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। द करेक्ट आंसर इज एंडेमिक स्पीसीज। राइट डाउन द करेक्ट आंसर। एंडेमिक स्पीसीज आर दी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5, अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। कौन सा प्लेस है ऐसा? क्लास में पढ़ा था इसके बारे में हमने। सेंचुरी, सेंचुरी लिख लीजिए 5th फिल इन द ब्लैंक्स में, SENCTURY, सेंचुरी। अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड सेंचुरी। राइट द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? आपके स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। सॉरी यहाँ पे ई होगा, ई कर लीजिए। सो स्टूडेंट, यहाँ तक का पार्ट हमने कर लिया, उसके बाद
आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली, इसी वीडियो में हम कर लेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो मैम आपको नेक्स्ट पार्ट में दे देंगी, ठीक है? तो कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट राइटिंग आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली। आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन इन यूर कॉपी। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिख लेंगे। वॉट रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉट रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। आंसर भी आपके स्क्रीन पे है, राइट डाउन द आंसर ऑल्सो। थोड़ा सा बड़ा आंसर है क्योंकि मैम ने इसलिए बड़ा कर दिया है जिससे आप लोग को थोड़ा सा इजी लगे समझने में। वॉट रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, अप्रॉक्सीमेटली 15 million स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल आर एस्टिमेटेड टू इनहबिट द अर्थ, दे रिप्रेजेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। Approximately 15 million species of organism like microorganism, algae, fungi, plant and animal are estimated to inhabit the earth. They represent global biodiversity. Now, जिनका हो गया है write down the question number 2. What is the main reason of deforestation? Question number 2. What is the main reason of deforestation? आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिए। नाउ आंसर नंबर 2, राइट डाउन द आंसर नंबर 2। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, वुड एक्सट्रैक्शन इन ब्रैकेट लॉगिंग और वुड हार्वेस्ट फॉर डोमेस्टिक फ्यूल और चारकोल and infrastructure expansion such as road building and urbanization. Complete your answer with the correct spelling. Causes of deforestation are agriculture expansion, wood extraction, example logging or wood harvest for domestic fuel or charcoal, and infrastructure expansion such as road building and urbanization. Complete your answer with the correct spelling. Everyone. Now, jinka ho gaya, write down the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। मेंशन एनी 2 नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन एनी 2 नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहला है फॉरेस्ट फायर, सेकेंड है फ्लड एंड ड्राउट्स। राइट डाउन द आंसर नंबर 3, पहला है फॉरेस्ट फायर, सेकेंड है फ्लड एंड ड्रोथ। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। राइट वन एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन,
राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4. राइट वन एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन. नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 4. प्रोवाइड अबंडेंट फूड एंड एप्रोप्रिएट क्लाइमेट कंडीशन. प्रोवाइड अबंडेंट फूड एंड एप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन टू एनहेंस द चांस ऑफ देयर सर्वाइवल. टू एनहेंस द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल. Now write down the next question, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में है. जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लें, और आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, सेम है आपके बुक के साथ. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ माइग्रेशन. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ माइग्रेशन. Write down the answer number 5. Exposure to predators and unpredictable weather conditions. Complete your answer with the correct spelling. Exposure to predators and unpredictable weather conditions. सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो आगे का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में है. इसका सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 में सेकेंड पार्ट में. सो आज की इस वीडियो यहीं पे एंड हो रही है. थैंक यू.